सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको एक श्लोक बताऊंगा। मान्यता है कि ये श्लोक स्वयं माता लक्ष्मी के मुख से निकला है और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। देखिए, धन वैभव और सुख की देवी लक्ष्मी, इनको धन प्राप्ति और पवित्रता के साथ भी हमारे शास्त्रों ने जोड़ा है और शक्ति के इस स्वरूप को हम महालक्ष्मी के रूप में मानते हैं और पूजते हैं। मैं आपको बड़ी ही सरल भाषा में इसका अनुवाद करके बताता हूँ इस श्लोक का कि ये श्लोक हमें क्या कहना चाहता है, क्या सीख देता है धन प्राप्ति के लिए। श्लोक है, धनमस्तीति वाणिज्यम किंचिस्तिति कर्षण सेवा न किंचित अस्तिति भिक्षा नैव च नैव च। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस मनुष्य के पास पर्याप्त मात्रा में धन है उसको अपने धन को बढ़ाने के लिए सिर्फ व्यवसाय करना चाहिए, यानी कि सिर्फ उसको बिजनेस करना चाहिए, तो ही उसकी जो पर्याप्त मात्रा की धन राशि है वो बढ़ती रहती है। जिनके पास पर्याप्त धन है उनको नौकरी करने के लिए साफ मना किया है शास्त्रों ने। दूसरा ये बताया है कि जिनके पास थोड़ा बहुत धन है, यानी कि निश्चित मात्रा में धन है लेकिन इतना है जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना धन बढ़ाने के लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि वो कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा रहे, यानी कि या तो फार्मिंग करे, खेती वगैरह जिसे हम बोलते हैं, या तो पशुओं से जुड़ा हुआ कोई भी उद्योग, उसके साथ अगर मनुष्य जुड़ा रहता है तो उसकी धन राशि बढ़ती रहती है। तीसरा ये कहा गया है कि जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है उनको धन को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की नौकरी करनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की सेवा देनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के लिए धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। लेकिन अंत में बताया गया है कि भिक्षा नैव च नैव च, यानी कि मनुष्य को कभी भी धन पाने के लिए, यानी कि धन को लेने के लिए किसी के भी सामने भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, यानी कि हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो मनुष्य धन प्राप्ति के लिए किसी के सामने हाथ फैलाता है उसके पास धन आने के बावजूद भी कभी भी नहीं टिकता और वो हमेशा दरिद्र बना रहता है। तो धन को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों ने शांति प्रियता और पवित्रता के ऊपर भरपूर रूप से जोर दिया है। दरिद्रता मानसिक होती है। शास्त्रों ने कहा है कि अगर आप धन प्राप्ति का मार्ग खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिक दरिद्रता को दूर करें, यानी कि मन वचन और कर्म से आपको बुराइयों से दूर रहना है और किसी भी हालत में आपको पवित्रता बनाए रखनी है। क्योंकि जो धन आप मेहनत से अर्जित करते हैं उसका नाश कभी भी नहीं होता। जो धन आप मेहनत से अर्जित नहीं करते, जो भिक्षा मांग के आप अर्जित करते, यानी किसी के पास मांगकर या तो चतुराई से अगर आप अर्जित करते हैं, किसी का हड़प लेते हैं, ऐसा धन मनुष्य को हमेशा दुखी देता है। जो धन मेहनत से कमाया जाता है वही आपको यश सम्मान और निरोगी जीवन प्रदान करता है। तो धन प्राप्ति के लिए ये जो हमारे शास्त्रों में श्लोक दिया गया है, जो एडवाइस दी गई है, वो इस प्रकार से है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच।